भी नहीं पता चल रहा है कि अम्मी के साथ उसके क्या हो रहा है, तो वो भी फाइंड कर रहा है, वो भी ढूंढ रहा है कि अम्मी को, अम्मी की बार बार तबीयत क्यों ख़राब हो रही है और वो बेहोश क्यों जा रही हैं। सडनली वो सब कुछ भूल जाती हैं, और अभी ऐसा बहुत सारे सीन आने वाले हैं जहाँ पे वो मतलब हमें भी भूल जाएंगे ऐसा है। तो भी अलादीन भी नहीं समझ पा रहा है क्या हुआ है अम्मी को, तो वो भी मतलब अलादीन और जिन्नी दोनों फाइंड कर रहे हैं कि क्या होने वाला है। और अभी जो सीन हो रहा है जिसमें मैं सो रहा था, तो उसमें चाचा चाची की भी साजिश है इसमें कि वो भी कुछ चुराने की कोशिश कर रहे हैं मेरे रूम से। तो वो कुछ चुरा रहे हैं जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे जो फाइट होने वाली है अभी उसमें वो चीज़ मेरे लिए बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट थी, बट उन्होंने वो चुरा लिया। अब वो क्या चीज़ है वो तो आप शो में देखिए। ज़फ़र से मिला ही नहीं और ना ही अलादीन ने ज़फ़र को देखा, तो वो जो चाल चल रहा है, इवन ज़फ़र भी नहीं जानता कि अलादीन कौन है और काला चोर कौन है, बिकॉज काला चोर ने अपना चेहरा नहीं दिखाया। बट जो खतूबा हमारे शो में आया है नया, जिसने काटा है, वो जानता है अलादीन कौन है, वो जानता है काला चोर कौन है, वो ये भी जानता है कि काला चोर की अम्मी कौन है। तो इसीलिए अम्मी को अच्छा सडनली क्या हो गया, वो बेहोश हो गई हैं, किस लिए हुई हैं, वो खतूबा की वजह से ही हुई हैं शायद, क्योंकि वो मुझे काटना चाह रहा है। और अभी वो बेहोश चल रही हैं और जिनू और मैं हम दोनों अम्मी के लिए परेशान हैं। और ये जो फाइट चल रही है ये किसी और चीज़ के लिए चल रही है, महल में, हाँ महल में नौकरी के लिए है। बट अब देखते हैं कि अलादीन को नौकरी मिलती है या नहीं मिलती, बिकॉज उसने फाइट तो अच्छी की है। नहीं नहीं, यही बहुत बड़ा सीक्रेट है कि जीतता हूँ या नहीं जीतता हूँ, बिकॉज लास्ट तक तो मैं एकदम फाइट करता हूँ, बट एट लास्ट जब मेरी अम्मी बेहोश हो जाती है तो मैं फ़ाइट छोड़ देता हूँ बीच में। सो वही डिस्कस हो, वही पता चलेगा आफ्टर कॉम्पिटिशन कि कौन जीता, मैं जीता या गुरबदन जीता। अभी थोड़ा लेफ्ट बैक जाइए कहीं पे, अभी मूव कीजिए वहां से, हाँ अभी चक्कर आ रहे हैं मैम, पैन शिफ्ट, पैन पैन आगे सर, आगे आने आते रहिए सर थोड़ा, हाँ पैन सो पैन आगे बढ़िए सर, आगे बढ़िए, आप कोशिश करें आगे आने की, पैन अभी नीचे, अभी नीचे पैन।